लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन है। लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर आपके पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और फोकल लेंथ एफ है, इसको किसी ली कोड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है और नई फोकल लेंथ एफ डैश हो गई, तो प्रूव करो एफ डैश इसके इक्वल है। क्या लगेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले आप इस लेंस को एयर में रखें, फोकल लेंथ एफ थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर करें, आर वन आर टू आपको पता नहीं। फिर आप इसको ली कोड में डालें, ली कोड में एफ की जगह एफ डैश हो जाएगा और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? ली कोड हो जाएगा। ग्लास नीचे है ऊपर आ गया, लिक्विड ऊपर है लिक्विड नीचे आ गया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, लिक्विड का म्यू डैश गिवन है, इक्वेशन नंबर टू आ गई। बस कुछ नहीं करना, टू को वन से डिवाइड कर दें, अपने आप जो निकालना है वो आंसर आएगा, आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जैसा भी आएगा मार्क कर लेना। तो आइडिया क्लियर, लेंस मेकर की प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक मेथड है जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, ये खुद तो प्रूफ करने को शायद ना भी आए, ये एनसीईआरटी और कॉम्पिटिशन दोनों के लिए बहुत यूज कामयाब चीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। तो एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? कैपिटल टी। याद करो, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवाया था कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन में क्या डिस्टेंस मिनिमम हो कि रियल इमेज बन जाए, आंसर 4f था। मैंने कहा था 4f यूज करना, चलो अभी आज दोबारा करवाऊंगा। तो एक ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, इनके बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी है और बीच में क्या रख दिया? कन्वेक्स लेंस रख दिया। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ है। प्रूव दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ताकि तुम क्लियर इमेज स्क्रीन पे देख सको, मिनिमम वैल्यू कैपिटल डी की 4f होनी चाहिए। अगर कैपिटल डी 4f ना हुआ ना, 4 टाइम फोकल लेंथ, रियल इमेज नहीं बन सकती या क्लियर नहीं बनेगी। तो इसके लिए काम करते हैं, और हाँ ये भी प्रूव करना है, अगर m मैग्निफिकेशन है लेंस की तो फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन की फॉर्म में ये फॉर्मूला है, दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो बेसिकली वो हाईलाइट कर लो, ये शॉर्टकट बनने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो यू है और इमेज का क्या है? वी। और टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कितना है? कैपिटल टी, यानी कि यू प्लस वी क्या है? कैपिटल टी। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी माइनस वी। कैपिटल डी में से वी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यू आएगा, कैपिटल डी माइनस वी। और क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा? माइनस। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, आपने लेंस की का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेंस के फॉर्मूले को यूज़ करके वी का फॉर्मूला निकालना है, यू को जो मैंने आपको बताया वो पुट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनानी है वी में, क्वाड्रेटिक बना के जो है वी इमेज के रूट्स आएंगे। आप ये चाहते हो कि इमेज वी पॉजिटिव आए क्योंकि ऑन दी अदर साइड बननी है रियल इमेज, तो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रियल इमेज के लिए। तो ऑब्वियसली इसको जब सॉल्व करोगे तो डी क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, तो यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कैपिटल डी का रियल इमेज के लिए क्या होना चाहिए? 4f। ये प्रूफ नहीं आएगा, पर ये 4f वाला पॉइंट याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्लियर है डिस्प्लेसमेंट मेथड का, कि मिनिमम डिस्टेंस रियल इमेज का क्या होना चाहिए? 4f। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट है फोकल लेंथ का, लेंस में ये फॉर्मूला, फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला। फोकल लेंथ में यू क्या होता है इस केस में, इस मेथड में, डिस्प्लेसमेंट में यू क्या है? नेगेटिव। तो तुम यू को जरा नेगेटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करके आपके पास ये टर्म आएगी, ये टर्म आ रही है। इस टर्म में आप एक काम करो, इस टर्म को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई और यू प्लस वी से डिवाइड कर दो, तो ये होल स्क्वायर बन गया। अब आप एक काम करो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये टर्म आ गई। अब आप एक काम करो, यू से यू काट दो, वी बाई यू अलग कर लो, इस टर्म को अलग लिख लो, और ये पूरी होल स्क्वायर की टर्म को लिखेंगे 1 प्लस वी बाई यू का होल स्क्वायर। जानबूझ के वी बाई यू बनाया ताकि मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन से ये टर्म प्रूव हो सके, क्योंकि यू प्लस वी का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है? कैपिटल टी। प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला नोट कर लो, कल को अगर मैग्निफिकेशन गिवन हो, कैपिटल डी गिवन हो, तो फोकल लेंथ आ जाएगी। और बाई चांस ये फॉर्मूला ना भी याद आए, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें लेंस का 1/v माइनस 1/u 1/f तो फिर भी आता ही है, तो v और u किसी तरीके से निकाल के f तो फिर भी निकाल ही आएंगे, कोई मतलब ऐसा नहीं, कंपल्शन नहीं है।
हाँ मुझे ये डर लगता है कहीं यही ऑप्शन ना बना के दे दे वो, एफ की ऑप्शन करेक्ट मार्क करो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अगर ऑप्शन आ जाए फिर तो ये मार्क ही कर देंगे, नहीं आया तो बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। अब मिरर की प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं हुआ, लेटा हुआ है, लीनियर है, लेटा हुआ है, और जैसे पेन लेट गया, रॉड लेट गई जिसकी लेंथ बी है, तो एक रॉड लेट गई, फोकल लेंथ एफ है और कहाँ पे लेटी, एट अ डिस्टेंस ऑफ यू, अप्रॉक्सीमेट कहा उसने, इमेज का साइज क्या होगा ये बता दो। ऑब्जेक्ट की लेंथ बी है, इमेज का साइज क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो तुम एक काम करना, मिरर का फॉर्मूला लगाना, इसको डिफ्रेंशिएट करना, पर टाइम के साथ मत करना, वेलोसिटी थोड़ा निकालनी है, यू के साथ ही कर देना, फोकल लेंथ तो वैसे भी कांस्टेंट ही है। तो आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म के डिफ्रेंशिएशन सेकंड टर्म के डिफ्रेंशिएशन करके ये टर्म आएगी। और आपको पता है कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, एच टू बाई एच वन किसी भी मिरर की, या फिर माइनस डी वी बाई डी यू, वी बाई यू नहीं, अब यहाँ पर डी वी बाई डी यू, क्योंकि लेंथ जो है वो, क्योंकि जो रॉड है पूरी लंबी है और जो रॉड है वो ऑब्वियसली वो डी यू डी यू डी यू तब जाके यू से बनेगी क्योंकि रॉड लंबी है, यू फिक्स नहीं है, यू क्या लेंगे, रॉड का ये पहला पॉइंट या आखिरी पॉइंट, तो इसलिए मैंने डी यू ले लिया। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और तुम डी यू बाई डी यू डी वी बाई डी यू को यहाँ पे पुट करके ये निकाल लें, तो एक शॉर्टकट बन गया। आपको ये पेपर में नहीं करना, अगर आपके ऑब्जेक्ट लेटे हुए हैं मिरर के सामने तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, शॉर्टकट मारना है सीधा, कौन करेगा कैलकुलस पेपर में बैठ के। अगर ऑब्जेक्ट लेटे हुए हैं तो एच टू बाई एच वन इज क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वो तो पुराना किया ही हुआ है हमने। तो लेटने के केस में ये, अब आपका ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है उसकी डिस्टेंस क्या था, बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइट निकाल लेना, ये हाइट आ गई इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइट ऑफ इमेज आ गई। अब हाइट ऑफ इमेज आ गई तो एक काम कर सकते हैं, आपको वी बाई यू का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन, वी बाई यू का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यू की फॉर्म में मैंने आपको लिखवाया था, एफ बाई यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दिखने वाला है आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ये नहीं दिखेगा, ये भी हाइट है, ये नहीं दिखेगा, इसकी जगह ये दिखेगा, तो तुम रिप्लेस कर देना, ये कुछ मत करना, वी बाई यू को ये रिप्लेस कर देना, एक मिनट में आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि ये शॉर्टकट जब तक किया नहीं, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, पक्की बात है, मतलब खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट और लेटे हुए ऑब्जेक्ट में फर्क है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे करना है इसमें, शॉर्टकट क्लियर है। नेक्स्ट, यू आर डिजाइन नहीं, आई डोंट नो क्यों यू आर डिजाइन, आप डिजाइन नहीं हो, आप डिजाइन करना चाहते हो एक शेविंग मिरर, शेविंग मिरर को डिजाइन करना चाहते हो। पहली बात, जो शेविंग मिरर है वो कैसा है, वो कन्वेक्स है या कनकेव है, पहले ये तो बता दो, वो कन्वेक्स है या कनकेव है। शेविंग मिरर में आप अपनी शक्ल उल्टी देखते हो, नहीं तो रियल इमेज तो नहीं बन सकती, मतलब कि वर्चुअल का केस बनेगा। अब वर्चुअल में कैसी देखते हो, बड़ी वर्चुअल देखते हो कि छोटी सी वर्चुअल देखते हो, बड़ी देखते हो ना, तो फिर क्या बना, कनकेव, कनकेव में बड़ी दिखती है, कन्वे, ठीक बोल रहा हूँ ना, कनकेव में बड़ी थी, कन्वेक्स में छोटी, चेक कर लो डायग्राम, कनकेव सही है, तो आपको ये देख लो बड़ी दिख रही है, दिखाया। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा, फेस को 10 सेंटीमीटर पे रखा, मैग्नीफाइड इमेज बनी 25 सेंटीमीटर पे बनी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो उसमें क्या कह रहा है, जो इमेज है वो इसके फेस से 25 सेंटीमीटर पे बनी, पोल से नहीं, उसके चेहरे से 25 पे बनी। तो हमने डिस्टेंस, अब देखो ना, ये डिस्टेंस 25 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फेस का डिस्टेंस 10 है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा, 15 आएगा। ध्यान से, वो फेस से ले रहा है इमेज की पोल से ले रहा है, देखना है। अब आपको यू पता है नेगेटिव, वी पता है पॉजिटिव, फोकल लेंथ निकाल लेना आंसर, अब रेडियस निकाल लो, फोकल लेंथ निकाल लो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसका। कार इज फिटेड विद अ कन्वेक्स मिरर, अगेन एक बार, जो कार है वो कन्वेक्स मिरर पे लगा हुआ है, किया था आज, फोकल लेंथ 20 है,
एक और कार है 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट और वो ओवरटेक करना चाह रही है और रिलेटिव स्पीड कितनी है उसकी 15। अब रिलेटिव स्पीड कहाँ से आ गई? पहली कार जिसमें मैं बैठा हूँ, पहले क्वेश्चन जो आज हमने किया था उसमें मैं रेस्ट पे था पार्किंग में और जॉगर आ रहा था, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या थी? जॉगर की स्पीड -0। अब वो कह रहे हैं पीछे कार आ रही है और मेरी कार भी चल रही है, तो उसकी कार माइनस मेरी कार की वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड 15 है, मतलब मैं अपने आप को किस पे मान रहा हूँ? फिर से एट रेस्ट। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब ये अपने आप को रेस्ट पे मानना। तो इस केस में वो बता रहा है कि रिलेटिव स्पीड 15 है, स्पीड ऑफ इमेज क्या है? हमने किया डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करके ये फॉर्मूला सिखाया था आज मैंने, U की वैल्यू 2.8 मीटर मतलब कि 280 सेंटीमीटर है, मिरर का फॉर्मूला लगा के क्या निकालना? V निकालना, V और U को पुट करना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है 15, dv by dt निकाल देना, ये PYQ आपको दिखने वाले हैं वहाँ पे। रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है? मेरी वेलोसिटी अगर 10 है और मेरे पीछे वाले की वेलोसिटी अगर मान लो 25 है, तो 25 में से 10 15, जब मैं ऐसा करता हूँ तो अपने आप को रेस्ट पे मान लेता हूँ, तो ये जॉगर वाला केस ही बन गया। ठीक, चलो अगर मान लो मेरी कार चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10, पीछे से वो कह रहा है कि उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 15 है, तो फिर तुम यहाँ du को 25 में से 10 माइनस करके 15 पुट करना, मान लो क्वेश्चन चेंज भी आता है अगर, तो रिलेटिव वेलोसिटी पुट कर लेना। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको करने का स्टाइल देखो क्या है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, यहां पर एक मिरर है, वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को मैंने ए डिस्टेंस पे रखा, यहां पे ए डिस्टेंस पे रखा, मैं बना देता हूं, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ए डिस्टेंस पे रखा इसके कॉम्बिनेशन से, और इमेज कहां पर बनी? एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाय 3 पे बन गई। गिवन है, क्वेश्चन में निकालना है ए, निकालना है इन टर्म्स ऑफ एफ क्या होगा, फोकल लेंथ के टर्म में ए निकालना है। ठीक, बस कुछ नहीं गिवन, एक एक ए गिवन है, एक ए बाई थ्री गिवन है। अब कॉन्सेप्ट ये है, जब आप यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे जब, तो वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले इस लेंस के साथ क्या करेगा? रिफ्रैक्शन। फिर वो रेज हिट करेंगे मिरर को, मिरर क्या करेगा? रिफ्लेक्शन। फिर वापस रेज किस में आएंगी? लेंस में। लेंस क्या करेगा? रिफ्रैक्शन, और फिर फाइनल इमेज बन जाएगी। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फाइनल इमेज, 3-स्टेज प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले लेंस से स्टार्ट करते हैं। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी में पड़ा हुआ है? लेंस के लिए ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। तो हम अगर फॉर्मूला लगाएं लेंस का, 1/v माइनस 1/u, u की जगह माइनस ए 1/f, तो यहां से 1/v आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लेंस के लिए फॉर्मूला लग गया। अब लेंस ने क्या किया होगा सोचो, जो लेंस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ए डिस्टेंस पे पड़ा हुआ था, उसने इमेज कहीं बना दी, कहां पर? I1 पे, मान लो I1 पे, और ये I1 डिस्टेंस कहां पर है? v पे, और v मैंने निकाल लिया, लेंस का काम खत्म हो गया। अब मिरर लेंस की बनाई हुई इमेज को क्या मानता है? ऑब्जेक्ट, और इसकी क्या बनाता है? इमेज। अब मिरर को यह पता लगा कि मिरर से ये इमेज कितनी दूरी पे है? वी। तो मिरर इसके उल्टी साइड एक और इमेज बना देता है एट अ डिस्टेंस ऑफ वी। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया वी, मिरर अपनी इमेज एग्जैक्टली कहां बनाता है? ऑपोजिट साइड पे वी। तो अब देखो क्या हुआ, मिरर के लिए ये वी है, मिरर ने यहां पर इमेज बना दी वी पे। अब मिरर की बनाई हुई इमेज लेंस के लिए फिर से क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट, और लेंस फिर से क्या करेगा? उसकी इमेज बना देगा। अब यानी कि आखिरी केस क्या है, मिरर ने अपनी इमेज कहां पर बना के छोड़ी थी? वी पे, और हमें फाइनली पता है कि फाइनल इमेज कहां पर बन रही है? ए बाई थ्री पे। तो इस लेंस के लिए फाइनल इमेज वी बाई थ्री, ऑब्जेक्ट की जगह यू, यू की जगह वी पुट करने, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर यू है और इमेज यहां पर ए बाई थ्री है, यहां से सॉल्व करके 1/v की जगह ये पूरे का पूरा रिप्लेस कर दो, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही लॉजिक है, पहले लेंस जो ऑब्जेक्ट रखेगा उसकी इमेज बनाएगा,
मिरर उसकी इमेज को ऑब्जेक्ट मान के नई इमेज बनाएगा, फिर जो नई इमेज आएगी लेंस उसको ऑब्जेक्ट मान के फिर एक नई इमेज बनाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करते रहो, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर है कि ये कॉम्बिनेशंस कैसे काम कर रहे हैं? एनसीईआरटी का तो नहीं है कम से कम। क्वेश्चन है ये, एक नए टाइप की क्वेश्चन है, आपको ये पीवाईक्यू में कॉम्पिटिशन के अंदर मिलने वाला है, ये एनसीईआरटी का तो नहीं है कम से कम। क्वेश्चन है, एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 2R इज रिड्यूसिंग एट अ रेट ऑफ x सेंटीमीटर पर मिनट। तो वो कह रहे हैं एपरेंट डेप्थ, पानी ना लेवल गिराता जा रहा है और एक्चुअल डेप्थ तो मुझे पता नहीं, एपरेंट डेप्थ मुझे पता है कि इस रेट से नीचे गिर रही है और पानी ड्रेन होता जा रहा है, नीचे से गिरता जा रहा है पानी कहीं। पानी जो ड्रेन हो रहा है वो कॉन्स्टेंट रेट से हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन कितना है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में बताओ, कितना पानी का वॉल्यूम ड्रेन हो गया एक मिनट में। मुझे सिर्फ एक बेसिक लॉजिक बताओ, अगर आपके पास ये एक कंटेनर है जिसका डायमीटर 2R है या रेडियस R है, मान लो ये पानी है, इस पानी का एरिया कितना है बोलो, पाई R स्क्वायर एरिया। ये पानी जो है वो लेवल नीचे करेगा क्योंकि कहीं हो सकता है होल हो और सारा पानी नीचे गिरता जा रहा है, तो इमेजिन कर लो कि ये पानी का लेवल कितना गिर गया बाय स्मॉल अमाउंट, कितना डीएच, एच या डीएच गिर गया, तो कितना पानी का वॉल्यूम खाली हो गया एरिया को, इस पाई आर स्क्वायर एरिया को इस डिस्टेंस से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम है। और पर मेरे को तो वॉल्यूम बाय टाइम निकालना है, तो अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं तो अब क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इंटू dh बाई dt वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। इसी को तो प्लस वन में इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी बोलते थे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है? तो मैं पाई आर स्क्वायर तो जानता हूँ, अब बस मुझे क्या निकालना है dh बाई dt। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू और एयर का म्यू वन, तुम चाहो तो म्यू लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो एयर का वन नहीं होता वैसे तो म्यू टू बाई म्यू वन रियल बाई एपरेंट डेप्थ है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, एपरेंट डेप्थ x सेंटीमीटर पर मिनट से गिर रही है, तो मेरे को तो एपरेंट डेप्थ गिवन है, तो रियल डेप्थ क्या है h, तो मैं अपना काम किससे करूंगा रियल से, क्योंकि पानी तो रियल ही गिर रहा है, एपरेंट थोड़ा गिर रहा है, पानी में तो रियल डेप्थ निकालनी पड़ेगी कितना एक्चुअल में गिरा, तो यहां से ये वैल्यू आ गई। इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ है, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट, तो म्यू तो चेंज होता ही नहीं है, तुम अगर एच बाई एक्स ले लो या रेट ऑफ चेंज ले लो दोनों का, इसकी रेशियो म्यू रहेगी, म्यू नहीं चेंज हो सकता। अच्छा ऐसा कर लो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मैथ्स में और दोनों तरफ डी बाई डी टी डी बाई डी टी लगा लो। अब ठीक है, मैथ्स वालों को समझ में आ रहा है, ठीक कर रहा हूँ ना ये, ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसे, और ये क्या चीज है डी एच बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का चेंज तो मुझे पता है एक्स सेंटीमीटर पर मिनट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ आ गया। तो आप इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अपना ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मार्क करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि पानी कितना ड्रेन हुआ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है यहां तक? ये भी आपको पी बाई क्यू मिलेगा। वो कह रहा है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये रहा आपका एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसको फिट कर दिया एक प्लेनो कनकेव लेंस में, ये रहा प्लेनो कनकेव लेंस, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बना दिया, तो एक बात तो पक्की है, मेरा पहला फॉर्मूला तो लगने ही वाला है। ये मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है म्यू टू है, मुझे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है। तो तुम कुछ ना करो, ये प्लेनो कन्वेक्स है प्लेनो कनकेव है, तुम लेंस मेकर लगा दो। प्लेनो कन्वेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, एक रेडियस पॉजिटिव है एक इन्फिनिटी है, प्लेनो कनकेव में एक नेगेटिव है और एक इन्फिनिटी, अपने आप आंसर आ जाएगा, डन। कुछ करना ही नहीं, एफ वन एफ टू में लेंस मेकर और एफ का कॉम्बिनेशन आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कॉम्बिनेशन का केस किया जा रहा है इसमें।